लगा के चिंता मत करो, जोर बहुत लगा से सुनिए कवित में कबीरा चार दानों में लिखते हैं फिर से वो चेतावनी सुझाव तोहफा भेजा है। भक्ति में ही शक्ति है, शक्ति में कोई भक्ति नहीं है। सुनिए गौर से कवित को। विभीषण ने पाली लंका जैसी नगरी में राम नाम गायो है। छोटी सी उम्र में उन भागों पे क्या छोटी सी उम्र में सब गुनवा को उतार दियो और ध्रुव जी की भक्ति को सब ग्रंथ हरिवा प्रहलाद को देख लो भक्ति के प्रताप के जिन परम पद को। अब सुनिए जो जिकड़ी की मेन धुरी है जननी जिसको बोलते हैं माँ बोलते हैं क्या बात है प्रेम जिसको कहते हैं साखी। ऐसे समझो पेड़ की जड़ हो, जब साखी नहीं है तो जिकड़ी नहीं है। क्या बात सुनिए साखी बोले आध्यात्मिक सर्वो क्या बोले साखी के अरे गोर सब अंगरी गोरी के और रोरी पंचोला Yeah!
अच्छा है। तुम तो भजन सुन लो जिक्के इनाम का उगते दी क्या बात वो जी ना चलने मेले सुनिए तुलसी कसबब तबता तहसी मिले सहाय और अपना बताए को ताए तहा दिमाग को उसी प्रसंग पर लगाइए जो पहले छोड़ा था कुछ बदलाव कर दिया वो उदय सिंह और उनसे छोड़ा बैज को तो कुछ आगे बढ़ा गया लेकिन सुनिएगा से जैसे ही खांडपन में अग्नि का प्रहार किया सुन पारत घनश्याम देर ना ज्यादा लग ली है और लंगो बनी को घेर लगा दूंगा सग में ना में अब के चूकंगो ना में अब के चूकंगो और कह लो ठोक बजा बनी ये सबरी है गयो विप्र स्याई है क्या बात है गयो जब विप्र स्याई है यानी करी न पल की देर दईव अगली लगाई नाग और जरे बघेरा है नाग और जरे बघेरा है एक नया नाग को दानव भाग्यो माते छोड़ के अर्जुन की ध्वाई देता हुआ चला हारा है मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए कुंती पुत्र नंदन ये मालूम कहां पहुंचती है संचालक जी स्वर्ग लोक में इंद्र महाराज के पास में और अपनी सेना को सजाया और सर्वो एक चूरी और बढ़ा दे अब ऐसे तो केलर चल लो फिल्म तो चलेगी तीसरे नंबर में अरे जब पड़ी ले स्वर्ग में तेरा करी ना अरे सबरी अकड़ निकल जा तेरी
चाचा महावीर बात कम करो, पीछे तुम देख कह रहा हूँ इंद्रदेव को समझाया। अर्जुन ने गांधी धारी कह रहा है तेरी सेना को वापस ले जा, मरवाने लाया है। लेकिन भारी क्रोध कियो अर्जुन ने, भारी क्रोध कियो इंद्र ने। जब 12 भी है बरसाए है और अधर रोक लियो पानी, अर्जुन ने ऐसे बाण घटा फेंक दई बाणन से। जब घटा फेंक दई बाणन से क्रोध बाणन में छायो, जब अर्जुन कुंती पुत्र अर्जुन क्रोध में हो गया और न्यूमत समझो क्रोध या गुण आ रहा हूँ बोकू अर्जुन तो ज्यादा तगड़ा क्रोध आ रहा। उस पानी का बनाया क्या, ये तो आप कहिए क्या बनाया। 12 में एक ही बरसात की और सर्वो क्या लिखा है, कर दिया है। पानी को भी डाल दिया और बाणों को भी काट दिया। लेकिन इतनी देर में ब्रह्मास्त्र को उठा लेते हैं इंद्रदेव। नारद जी चले आते हैं नारायण नारायण करते हुए। इंद्रदेव तो तू इसे नहीं जानता, ये तेरे सामने लड़ रहा है ना, तेरा अंश है, तेरा पंथ है। और सर्वो लिखा क्या है, क्या बोले है।
गाने में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं। सुनिए यार तेरो नायापन में चल रहा है, गंगा स्नान करना चाहिए, लेकिन सर वो क्या लिखा है मोती। अरे नार की नार में हीरा मोती।
की चरण है रतन सितार ये है और लता कपड़ा हार नौ लखा गंगा के धरे किनारे हैं और एक मछली ने हार निगल के जार ना बारा अर्जुन सिंह जी अखा वाले आशीर्वाद के रूप में दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद और सच्चा शुक्रिया ये माता बहन दे रही देखिए बंधुओं जब द्रौपदी के दौला का हर को एक मछली निगल गई और मछली को देख रहा है कौन संचालक महोदय जी सुनिए लेकिन द्रौपदी को क्या चीज प्रिय है था द्रौपदी को है नौलखा हार प्रिय और अरे पगला के पीछे भगिया द्रौपदी हार नौलखा प्यारो है आगे तेज कपट्ठा आ रहो पीर पड़ो मतवारा द्रौपद बोली सुने गबरू मालूम ऐसा न तुम्हारो है अरे बिन मारे बगुला और मछली ला जो हार बगला नहीं मरना चाहिए और मछली भी नहीं मरनी चाहिए कसमा कीजिए नौलखा हार मेरे पास आ जाना चाहिए द्रौपदी ने बोल दिया क्या बात है लेकिन शर्मा उस वीर ने भी कसमा किया है क्या कसमा किया और पहलो पान बगला की मुख में करो वीर ने ठाड़ो है और दूजो पान मछली की मुंह करो वीर ने खड़ा कर दिया रे कोड़ा कर दिया और तीजे पान ते हार खेच लियो चढ़ो तो भूल गए अब मोए होश भयो